साई नमो नमा, जय जय साई नमो नमा। नमस्कार दोस्तों, श्री सदगुरु स्वामी जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। बाबा की खुशी उसी में है जिसमें उनके भक्तों की खुशी है। अगर भक्त श्रद्धा से लगन से जो भी काम करे तो साईं बाबा अपने भक्तों के उस काम को सफल बनाते हैं। इस वचन के माध्यम से वह यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरा भक्त मुझ पे भरोसा रखता है तो मैं उसके सारे दुखों को हर लेता हूँ। जिंदगी हूँ मैं, मौत हूँ मैं, जिंदगी हूँ मैं, मौत हूँ मैं। साईं बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा जीवन और मैं ही तुम्हारा काल हूँ। मैं तेरे सुख में भी हिस्सा लूंगा और तेरे दुख में भी हिस्सा लूंगा। बस इतना जान ले, अगर तू मेरा है तो मैं तुझे कभी भी तनहा नहीं छोड़ूंगा। मैं दिखता हूँ पर तू देखता नहीं, मैं दिखता हूँ पर तू देखता नहीं। इस वचन के माध्यम से साईं बाबा ने बड़ी ही मनमोहक बात कह दी। मैं दिखता हूँ पर तू देखता नहीं। बाबा अपने भक्तों के हमेशा आसपास ही होते हैं, फिर भी लोग घबराते हैं और कहते हैं कि तू मुझे नजर ही नहीं आता। जिस भक्त को बाबा पर भरोसा होगा वह अपने सपनों में तो कभी हकीकत में उनका दर्शन तो पा ही जाएगा। जहाँ भी मेरा नाम है वहीं खुदा और राम है। जिनके हृदय में साईं बाबा की छवि बसती है उसको संसार के सभी देवता अपना ही समझते हैं, क्योंकि यही राम के अवतार हैं और यही अल्लाह के अवतार हैं। हर काम करूंगा तेरी, तू मुझे काम तो दे, तू मुझे काम तो दे, तू मुझे काम तो दे। इस पंक्ति को ध्यान से समझिएगा। साईं बाबा इस वचन के माध्यम से ही कहना चाहते हैं, मैं तेरे सभी कामों को आसान कर दूंगा, तुझे ऐसा नहीं लगने दूंगा कि काम करके तू थक गया या हार गया। बस तू अपना सारा काम मेरे नाम से शुरू कर और मेरे नाम पर ख़त्म कर, क्योंकि मुझसे ज़्यादा शक्ति तो मेरे नाम में है। मैं उसके पास कभी नहीं रहता जो दूसरों को आगे बढ़ता देख जलन करे। अगर आप किसी व्यक्ति को आगे बढ़ता देख जलते हैं, नहीं चाहते कि वह आपसे आगे बढ़े, तो यह ख्याल भी दिल से निकाल दीजिएगा कि परमेश्वर कभी आपकी मदद भी करेगा। हो सकता है वह आगे बढ़ने वाला व्यक्ति भी उसी परमेश्वर का दास हो जिसके आप हैं। आँखों का पानी मुझे मीठा लगता है, आँखों का पानी मुझे मीठा लगता है, मीठा लगता है। साईं बाबा इस पंक्ति के माध्यम से ही कहना चाहते हैं, जो भक्त दुखियारा मेरे सामने आंसू बहा देता है, मेरे समक्ष रो देता है, मैं मोम की भांति पिघल जाता हूँ और उसे हृदय से लगाने पर मजबूर हो जाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोने में सुख है, अगर सुख नहीं होता तो रोने के बाद आराम नहीं मिलता। आप हर किसी को फूलों से, अगरबत्ती या कपूर से, धन दौलत से अपने करीब नहीं ला सकते, लेकिन आपके दो बूंद आंसू के हर किसी को आपके करीब ला देंगे, हर किसी का हृदय पिघला देंगे। इसलिए जब परिस्थिति समझ से बाहर हो तो दो बूंद आंसू के गिरा के अपने हृदय के धूल को धो लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि कपड़ा मैला हो तो सर्फ या साबुन से धुला जा सकता है, लेकिन अगर हृदय मैला हो तो उसे कैसे धुलेंगे? उसे दो बूंद आंसुओं के धार ही धुल सकते हैं। इसलिए रोना गलत नहीं है, लेकिन रोना उस वक्त गलत हो जाता है
जब आप ऐसे आदमी के सामने रोते हैं जो आपका कुछ भला कर ही नहीं सकता, जो आपके दर्द को समझ ही नहीं सकता, आपके आंसुओं की कीमत को नहीं समझ सकता, जो आपके आंसुओं की कीमत को नहीं समझता है उसके सामने रोना व्यर्थ है। आप आंसू बहाइए तो उसी के सामने जो आपके आंसुओं की कीमत को समझ सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे की वीडियो भी बना सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सीतानंद। ओम साई राम। साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः।